यानी कि इनका लोन भी चुक गया, साथ में इनको 1,02,57,000 रुपए का बैलेंस भी इनके पास हो गया। लोन भी चुक गया, 1,57,00,000 का बैलेंस भी हो गया। जो हमने पैसे हमारे पास थे हमने SWP में इन्वेस्ट किया, वहां से हमने जो भी अमाउंट लिया उसको हमने EMI पे कर दिया, फिर जो हमारा EMI पे हो रहा था हमारे पास से उसको हमने SIP में इन्वेस्ट करके हमने इतना बड़ा कॉर्पस बना लिया। इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि अगर आपके पास कहीं से एक मुश्त पैसे आ जाते हैं तो उसका सही यूज कैसे करना है। दोस्तों इस वीडियो में एक सर हैं जिन्होंने हमारे पास कमेंट किया था कि उनके पास एक जमीन थी जिसको उन्होंने सेल किया, जहां से उनको 25 लाख रुपए का एक मोटा अमाउंट मिल गया और उन्होंने घर बनवाया था जहां पे उनके पास अभी भी 20 लाख का लोन है जिनको वो EMI के जरिए पे करते हैं। तो उन्होंने सोचा जो हमारे पास एक अमाउंट आया है इसको हम SWP में इन्वेस्ट कर दें और वहां से जो भी हम इनकम ले पाए उसको हम EMI के रूप में पे कर दें। इससे होगा क्या कि जो हम हर महीने अपने पास से EMI जमा कर रहे हैं वो हमें जमा नहीं करना पड़ेगा, इधर जो हमने SWP में इन्वेस्ट किया है ये हमारा पैसा भी बढ़ता रहेगा, साथ में इसी पैसे से हमारा लोन भी पे होता रहेगा और जो हमारे पास पैसा बचा है उसको हम फिर इन्वेस्ट कर देंगे। तो ऐसा करना क्या सही है या फिर एक ही बार में सारे लोन को चुका देना चाहिए, क्या ऐसा करना सही है, इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो आपके लाइफ में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है। अब कुछ भाई लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद मेरे पास अभी पैसा नहीं है तो मेरे लिए ये वीडियो नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपके पास कभी भी पैसा नहीं आएगा, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेंगे तो फ्यूचर में ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम करने वाला है। तो चलिए बिना देर के वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सर के पास एक जमीन थी जिसको उन्होंने सेल किया 25 लाख में, ठीक है, और उनके पास लोन का अमाउंट है 20 लाख। तो इस अमाउंट से वो अपने पैसे को करना चाहते हैं SWP और इस अमाउंट से वो पे करेंगे EMI के जरिए, जो उन्होंने अपने पास से पे कर रहे थे उसको वो नहीं पे करने वाले हैं, जो यहाँ से SWP करके पैसे निकालेंगे इसको वो EMI के जरिए पे कर देंगे, ठीक है। अब चलिए जरा सा हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन देखना बहुत ज़रूरी है। जनरली अगर अपने पैसे को हमें SWP में इन्वेस्ट करना है तो हम इन्वेस्ट करते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड में क्योंकि हमें रेगुलर रिटर्न मिलते रहे, क्योंकि यहाँ पे सर ने टाइम नहीं बताया तो हम यहां पे मान के चलते हैं कि उनको 10 साल का यहां पे EMI पे करना है और 10 साल के लिए अपने पैसे को SWP में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर 10 साल के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कितना ज्यादा EMI पे करना पड़ेगा और कितना ज्यादा हम उससे पैसे ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर 10 साल का पीरियड हमारे पास है तो हम ले सकते हैं इक्विटी फंड, क्योंकि इक्विटी फंड में 10 साल में अगर अपने पैसे को आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बेहतर रिटर्न बना के मिल सकता है। अब दोस्तों कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ICICI Prudential का ब्लू चिप फंड। अभी दोस्तों कोई मेरा स्पॉन्सर नहीं है, ठीक है, स्पॉन्सर्ड मेरा कोई वीडियो नहीं है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे पहली बात तो ये कि हम म्यूचुअल फंड के या फिर किसी स्टॉक्स के फ्यूचर के डेटा को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में कैसा रिटर्न बना के देगा कैसा नहीं देगा, ठीक है, इसीलिए हम बैक के डेटा को लेकर चल रहे हैं कि 2013 में अगर किसी ने अपने पैसे को SWP में इन्वेस्ट किया होता तो उसकी वैल्यू क्या होती, कैसे वो पैसे ले पाता, कैसे क्या कर पाता, ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे बैक डेटा को लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पे अगर सर का लोन चल रहा है 20 लाख का, ठीक है, तो 20 लाख का अगर लोन है तो यहाँ पे लगभग 16,666 रुपए की इनकी EMI है, ठीक है, ये 16,666 रुपए हर महीने जमा कर रहे हैं, इसके लिए उनको SWP से लगभग 16,700 रुपए हर महीने का विड्रॉल करना पड़ेगा। तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो हमारा होगा 25 लाख का, यानी कि 25 लाख रुपए हम एक मुश्त अगर SWP में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे जो ICICI Prudential ब्लू चिप फंड है ये इसका जो रिटर्न है, ठीक है, 16.47% का चल रहा है, लगभग 16.47% का ये रिटर्न दिया है 2013 से अब तक। यहाँ पे हम 10 साल मान के चलते हैं कि 10 साल में अगर ये करता है तो कैसे होता है, तो जो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है ये है 25 लाख रुपए और यहाँ पे जो हमारा टोटल विड्रॉल अमाउंट होगा ये 16,700 रुपए के हिसाब से होगा, ठीक है, 16,700 रुपए पर मंथ अगर हम विड्रॉल करेंगे तो ये हमारा हो जाता है टोटल विड्रॉल अमाउंट 20,04,000, ठीक है, 20 लाख रुपए अपना हम विड्रॉल कर लेंगे और इस पर जो हमें एस्टिमेटेड जो रिटर्न बनेगा ये बनेगा लगभग 58,89,000, ठीक है,
58,89,000 हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न हमें मिलेगा। तो जो हमारा फाइनल बैलेंस बचा रहेगा हमारे पैसे को निकालने के बाद में, ये बना रहेगा 63.85 लाख रुपए, ठीक है। अप्रॉक्स हमारे पास 63,85,000 रुपए बचा रहेगा। साथ में हमारा जो लोन है वो भी चुक जाएगा। अभी बहुत ही बड़ा खेल बाकी है, इतना देखकर आप वीडियो अगर छोड़ेंगे तो समझ लीजिए आप आधी अधूरी जानकारी आप ले रहे हैं। यहाँ तक आपने समझा होगा कि आपके पास 63.85 लाख रुपए आपके पास बचे होंगे, आपका लोन भी चुक गया होगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब सर ने SWB करके यहाँ से 16,700 रुपये पर मंथ का विड्रॉल करना चालू किया, ठीक है, 16,700, ठीक है, SWP जब इन्होंने लेना चालू कर दिया तो जो इनका ये अमाउंट है, ये अमाउंट तो इनके पास बच गया होगा। तो इस अमाउंट को इन्होंने क्या किया, तो इस अमाउंट का अगर वो 16,666 रुपए को SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, इसी पैसे को SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर दे रहे हैं और वहाँ पर ये 12% का रिटर्न पा पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रिटर्न लेके हम नहीं चल रहे हैं। अगर उनको म्यूचुअल फंड में 12% का रिटर्न मिल जा रहा है तो अगले 10 साल के पीरियड में होता है क्या, उसको हमें देखना बहुत ज़रूरी है। इनका जब टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा ये होगा 20 लाख का, ठीक है। इन्होंने अपना 20 लाख रुपए 10 साल में अपना इन्वेस्ट कर दिया, जो इनके पास EMI भर रहे थे वो पैसा जो बच रहा था उनको उन्होंने इधर उधर खर्चा नहीं किया, ठीक है। अब यहाँ पे 20 लाख रुपए इनका टोटल इन्वेस्ट हुआ, जिस पर इनको एस्टिमेटेड रिटर्न जो मिला ये मिला 18.72 लाख का, ठीक है, 18.72 लाख का उनको एस्टिमेटेड रिटर्न मिल गया। और टोटल वैल्यू जो इनकी बनी, टोटल वैल्यू बन गई कितना, 38.72 लाख रुपए की। यानी कि जो इनके पास पैसे EMI के थ्रू जा रहे थे, ये पैसे जो उनके बच रहे थे उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे उनको मात्र 12% का रिटर्न मिला, बहुत ही ज़्यादा रिटर्न लेके नहीं चल रहा। तो यहाँ पे 38,72,000 रुपये इनके बन गए। साथ में अभी आप गेम देखिए, यहाँ पे इनके 63,85,000 और यहाँ पे 38,72,000, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं 63.85 लाख, ठीक है, तो टोटल जो बन के आता है बैलेंस, सॉरी इसको हटा देते हैं, ठीक है, तो दोनों का जो दोनों जो इक्वल करने पे आता है 1,02,57,000, ठीक है। यानी कि इनका लोन भी चुक गया, साथ में इनको 1,02,57,000 रुपए का बैलेंस भी इनके पास हो गया। लोन भी चुक गया, 1,57,00,000 का बैलेंस भी हो गया, यानी कि सिर्फ 25 लाख रुपए से इन्होंने इतना सब कुछ अचीव कर लिया। बट अभी गेम खत्म नहीं हुआ। ये कैलकुलेशन तो थी सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड की, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि अगर अपने पैसे को हमें SWP में इन्वेस्ट करना है तो हम बैलेंस एडवांटेज फंड चुनते हैं, यानी कि हाइब्रिड फंड चुनते हैं, जहां पे हमें एक कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहता है, ठीक है। लार्ज कैप में भी कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहता है, लेकिन हम जो चुनते हैं वो हाइब्रिड फंड चुनते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे कंसिस्टेंट रिटर्न मिलता रहता है, ठीक है। तो उसके जरिए से हम यहाँ पे कैलकुलेशन जरा सा देख लेते हैं। अब दोस्तों बात आती है बैलेंस एडवांटेज फंड की, तो हमने यहाँ पे फिर से लिया है ICICI बैलेंस एडवांटेज फंड। मैं फिर से आपको बता दूँ कि मेरा कोई स्पॉन्सर्ड फंड नहीं है, मैं सिर्फ आपको एज ए एग्जाम्पल समझाने के लिए इसको ले रहा हूँ। अब इसके रिटर्न की हम बात कर लें तो जो इन्होंने बैक डेट में रिटर्न दिए हैं 2013 से, वो 13.30% का है। पिछले सालों में इन्होंने 13.30% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ पे अगर हम 25 लाख अपना इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 25 लाख रुपए का होगा, ठीक है। 25 लाख रुपए हमने टोटल इन्वेस्ट कर दिया, जहाँ से हम 16,700 रुपए पर मंथ का हम विड्रॉल करते हैं और यहाँ पे जो रिटर्न रेट है 13% का अगर हमें मिल जाता है और अगले 10 साल तक अपने पैसे को हम ऐसे निकालते रहते हैं, ठीक है, तो जो हमारा इस पे एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा, अब यहाँ पे देखिए 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद जो हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिला इस पे 39 लाख का, यानी कि 40,39,000 रुपये हमें टोटल मिल जाएंगे। और टोटल विड्रॉल जो हमने किया इसमें 16,700 के हिसाब से हमने 20 लाख का कर लिया, ठीक है, 20 लाख का हमने टोटल विड्रॉल कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो फाइनल बैलेंस बचेगा ये बचेगा 45 लाख रुपये, ठीक है, 45,35,170 रुपये, ठीक है, ये हमारे पास बैलेंस बच जाएगा। यानी कि हमने यहाँ पे 20 लाख का लोन भी चुका दिया, साथ में हमारे पास यहाँ पे 45 लाख का बैलेंस बच गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि जो हमने
यहाँ पे जो SWP करके पैसे लिए, हमने EMI पे कर दिया, लेकिन जो हम EMI पे कर रहे थे वो बैलेंस हमारे पास बच रहा था, तो हमने उसको भी SWP में इन्वेस्ट किया। तो उसका जो टोटल इन्वेस्टमेंट होता है देखो कितना होता है, हमने यहाँ पे 16,666 रुपये की SIP किया, ठीक है। 12% का रिटर्न हमने यहाँ पे अज्यूम किया 10 साल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट जो हमारा ये होगा 20 लाख का होगा। एस्टिमेटेड हमारा जो रिटर्न मिलेगा इस पे ये मिलेगा 18.72 लाख का, और यहाँ पे टोटल वैल्यू जो बनेगी ये बनेगी 38.72 लाख रुपए की, यानी कि हमारे पास 38,72,000 इससे बन गए। तो जो हमारा टोटल वैल्यू बनेगा इसका, जो हमने यहाँ पे SWP के 45,37,000 हमारे पास बचा, साथ में यहाँ पे जो हमने इसको इन्वेस्ट किया 38,72,000, ये कितना बनेगा 38,72,000 सॉरी। तो हमारा जो टोटल वैल्यू बनेगा ये बन जाएगा 84 लाख रुपए, यानी कि हमारा लोन भी चुक गया और हमारे पास 84 लाख रुपए भी बचे हैं। तो हम इसी को मान के चलते हैं कि हम यहाँ पे लार्ज कैप वाला नहीं लेते हैं, उसको भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमने जो बैलेंस एडवांटेज फंड में इन्वेस्ट किया वहाँ से भी हमें 84 लाख रुपए हमारे पास बचे हैं, साथ में हमारा लोन भी चुक गया। अब दोस्तों ये तो था सिनारियो वन, अब सिनारियो टू को हम जरा सा देख लेते हैं। सिनारियो टू में क्या होगा कि जो हमने पैसे हमारे पास थे हमने SWP में इन्वेस्ट किया, वहाँ से हमने जो भी अमाउंट लिया उसको हमने EMI पे कर दिया, फिर जो हमारा EMI पे हो रहा था हमारे पास से उसको हमने SIP में इन्वेस्ट करके हमने इतना बड़ा कॉर्पस बना लिया। बट यहाँ पे अब शुरू होता है सिनारियो टू, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपने जो पैसा आपके पास है उसको अगर आपने SWP में ना इन्वेस्ट करके पहले लोन पे कर देते तो आपके पास वैल्यू क्या बनती, उसको भी हम जरा सा देख लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए सिनारियो टू में क्या है, यहाँ पे 25 लाख रुपए हमारे पास पहले से, 20 लाख रुपए का हमारे पास लोन था, ठीक है, 20 लाख का हमारे पास लोन था, यानी कि हमारे पास 5 लाख रुपए हमारे पास शेष बचेंगे, ठीक है। मैंने 25 लाख रुपए से 20 लाख का लोन एकमुश्त पे कर दिया, साथ में हमारे पास 5 लाख रुपए शेष बच गए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 लाख हमारे पास शेष बचे हैं, प्लस जो हमने यहाँ पे 16,666 रुपए का हर महीने का हमने EMI पे कर रहे थे वो भी हमारे पास बच गया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूँ बच गया है ये भी पैसा। अब इसको हम करते क्या है, इसको अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 16,666 रुपए को, ठीक है, प्लस 12% रिटर्न के हिसाब से प्लस 10 ईयर तक अगर हम इन्वेस्ट करते तो हमारी वैल्यू क्या बनेगी, टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट होगा ये हो जाएगा 20 लाख का, इस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जाएगा ये मिल जाएगा 18.2 लाख का, और टोटल वैल्यू जो हमारी बनेगी ये बन जाएगी 38,72,000 रुपए की, यानी कि जो हमारे पास से EMI में पे कर रहे थे हम 16,666 रुपए, इसको हम SIP में डालने लगे जिसका हमारा वैल्यू बन गया 38,72,000। अब यहाँ पे एक चीज़ और, जो हम 5 लाख रुपए हमारे पास बचे थे उसको भी हमने लमसम इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अगर उस 5 लाख को हम लमसम इन्वेस्ट करते हैं 10 साल तक करते हैं और 12% रिटर्न के हिसाब से, ठीक है, सॉरी 12% रिटर्न के हिसाब से अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या बनती है, तो यहाँ पे हमारा जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा ये बन जाएगा 10.53 लाख का, और टोटल वैल्यू जो हमारी बनेगी ये बन जाएगी 15.53 लाख की, यानी कि 15,53,000 बन जाएंगे। इसको अगर हम इसको प्लस कर देते हैं तो यहाँ पे अगर हम 38.72 में 15.53 कर देते हैं, ठीक है, तो टोटल वैल्यू जो हमारी निकल के आएगी 54.25 लाख की, यानी कि हमारे पास यहाँ पे 54 लाख रुपए बनेंगे। अगर हम सिनारियो टू के हिसाब से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 54 लाख रुपए बनते हैं, और सिनारियो वन के केस में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 84 लाख रुपए बनेंगे। अच्छा अब आप बताइए, अगर हम आपसे पूछना चाहें कि अगर इन दोनों सिनारियों में से अगर आपको चुनना हो तो आप कौन सा चुनेंगे, ये है SWP सिनारियो और ये है पहले लोन को पे कर दो और बाद में आप यहाँ पे जो भी पैसे आपके बच रहे हैं उसको आप इन्वेस्ट कर दो। तो अगर आप बाद में इन्वेस्ट करते हो पैसे बचने के बाद में, तो आपको यहाँ पे 54 लाख होते हैं और यहाँ पे SWP करने पे आपको यहाँ पे 84 लाख होते हैं। वीडियो भी मत छोड़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी अब आपको मैं देने वाला हूँ। देखिए अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही जवाब देंगे कि भाई मैं इसको चुनूंगा SWP करके, अपने लोन भी चुका दूंगा, साथ में जो हमारे पैसे बचेंगे उसको हमारे पैसे बढ़ते रहेंगे। बट मैं ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, ये मेरे हिसाब से गलत है। अब आप कहेंगे क्यों,
उसके दो रीजन है, चलिए मैं उसको भी आपको बता देता हूँ। आपने सिर्फ यहाँ पे रिटर्न देखा, आपने रिस्क नहीं देखा। बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिन्होंने पास्ट में भी नेगेटिव रिटर्न दिया या फिर जीरो रिटर्न दिया। यहाँ पे बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि लॉन्ग टर्म में बने रह सकते हैं या लॉन्ग टर्म अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रख सकते हैं। हमने आपको पहले ही कहा था कि यहाँ पे पास्ट को देखकर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर पास्ट में हमें इतना बेहतरीन रिटर्न सारे फंड ने बना के दिए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी ऐसे ही रिटर्न हमें मिलते रहेंगे। साथ में आप ये नहीं कर सकते क्योंकि म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी बहुत ही अच्छी होती है, तो हम जब चाहें अपने पैसे वहां से निकाल सकते हैं। और ये इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा भी है और बहुत ही खराब भी है, क्योंकि अगर हम किसी चीज के लिए अपने पैसे को वहां पे इन्वेस्ट किए हैं और बीच में कोई जरूरत आ जाती है तो उस पैसे को हम निकाल लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे गोल को पूरा होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब यहाँ पे रीजन टू आता है, वोलेटिलिटी। ठीक है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज्यादा उठा पटक होती है, बहुत ही नेगेटिव रिटर्न जाते हैं, बहुत ही पॉजिटिव रिटर्न जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है कि हम यहाँ पे अपने दिमाग को बैलेंस रख सकते हैं। क्योंकि देखने में तो बहुत ही अच्छा लगता है कि भाई यहाँ पे रिटर्न काफी अच्छे बन रहे हैं, थ्योरेटिकल ही एक कैलकुलेशन है और प्रैक्टिकल हमारे लिए इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि हमारा जो मेंटल स्टेटस है ना, ये सपोर्ट नहीं करता। हमारे पैसों के साथ हमारा इमोशन जुड़ा होता है और जब जब पैसे नेगेटिव जाते हैं तो हमें हमारा मेंटल है सपोर्ट नहीं करता और हम सोचते हैं कि यहाँ से हम एग्जिट हो जाएं। देखिए पास्ट में ही लार्ज कैप फंड में ही यहाँ पे अगर किसी ने 30 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट किए तो उसके यहाँ पे 27 लाख 28 लाख दिखा रहे थे, यानी कि लगभग उसके 2 लाख 3 लाख कम रिटर्न दिखा रहे थे, या पैसे उसके जो इन्वेस्ट किए थे 2 लाख 3 लाख कम दिखा रहे थे। तो यहाँ पे किसका मेंटल हेल्थ इतना ज्यादा सपोर्ट कर सकता है कि भाई यहाँ पे अपने पैसे को इन्वेस्टेड रखते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे कि भाई जो मेरा इन्वेस्टमेंट था मैंने बढ़ने के लिए इन्वेस्ट किया था, बट यहाँ पे तो हमारे पैसे कम हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको क्यों कह रहा हूँ आपको लोन पहले पे करना चाहिए, क्योंकि ये एक बेटर फाइनेंशियल हैबिट है जिससे आपको चैन की नींद आ जाए, बस आपको वही काम करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं भाई मैं तो चुनूंगा SWP ही। ठीक है, तो अगर आप SWP ही चुन के अपने पैसे को इन्वेस्ट करके अपने पैसे को ग्रो कराना चाहते हैं और साथ में आप लोन को पे करना चाहते हैं, तो आप दो केस में कर सकते हैं। सबसे पहला कि अगर आप 150% श्योर हैं कि भाई मैं अपने पैसे को SWP में इन्वेस्ट करूंगा, वहां से लोन पे करूंगा, मार्केट में कुछ भी उथल पुथल हो, कुछ भी डाउन हो, अपवर्ड हो, किसी भी सिचुएशन में अपने पैसे को हम वहां से नहीं निकालेंगे, तो आप पहले केस में यहां पे कर सकते हैं। दूसरी चीज आपके पास क्या होनी चाहिए कि अगर आप जो लोन आपके पास है, जो आप EMI पे कर रहे हैं, वहां पे अगर आप टैक्स का बेनिफिट ले पा रहे हैं, तो आप अपने पैसे को SWP में इन्वेस्ट करके वहां से पैसे लेके आप EMI पे कर सकते हैं, और जो आपके पैसे बच रहे हैं उसको आप म्यूचुअल फंड में फिर से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये मेरी अपनी सोच है, आपकी क्या सोच है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपके लिए अगर हेल्पफुल लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ कमेंट करिएगा कि ये वीडियो आपके लिए कैसे लगी, क्योंकि हम आपके लिए उसी तरीके से इंप्रूवमेंट करते हैं कि आपके लिए हम और भी बेहतरीन वीडियो लेकर आ सके। और अगर साथ में आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमने कमेंट बॉक्स में अपने इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, आप वहां से हमें फॉलो करके हमसे 1-to-1 बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिसका हम रिप्लाई करते हैं। ठीक है, और साथ में मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो बनाया है। SIP करके 7-8 लाख रुपए लोग हर साल कमाते हैं, उन्होंने SIP कर दिया, कंपाउंडिंग की मदद से 7-8 लाख रुपए लोग कैसे साल कमा लेते हैं, इसके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, बिना काम किए उनके पैसे उनके लिए काम करते हैं और पैसे कमाते रहते हैं, तो इस वाली वीडियो को देखना मत भूलेगा। और आप अगर चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं जो आपके ही तरह सोच रखते हैं और वो भी इन्वेस्टमेंट करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको इन्वेस्टमेंट में हेल्प मिल सकती है। तो शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग और पावरफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।